हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमीर जींदड़ और आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले क्या क्या स्टडी कर लिया था। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी कर लिया था। हमने स्टडी कर लिया था कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज हमने स्टडी कर लिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और करेक्टरिस्टिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हम एक स्केलर फंक्शन लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्केलर जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। मैं आपको बताऊँ, सिंपली फ्लक्स का मतलब होता है ढेर। कोई भी जो ढेर होता है, किसका ढेर? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का ढेर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का ढेर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करता है। तो बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स लिंक्ड विद एरिया क्रिएट्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लीजिए ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। पॉजिटिव 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 यहाँ पे हैं, ये नेगेटिव 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 हैं। यहाँ पर हमने एक एरिया लिया ए, तो इस एरिया ए से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम सिंपली इसको क्या कह देते हैं कि फ्लक्स कितना हुआ? 5। अगर मान लीजिए मैं इसी एरिया को इस तरीके से यहाँ पे ऐसा रोटेट कर देता हूँ, तो इस रोटेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ से ऐसा एंगल थीटा पे मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो इस रोटेशन के बाद क्या हुआ कि ये फील्ड लाइंस हैं जो 1, 2, 3, 4 ही कॉन्टेक्ट में रह गई, तो फ्लक्स कितना हो गया फिर? 4। मतलब जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया से लिंक्ड होंगी वो हमें क्या देगा? फ्लक्स की इन्फॉर्मेशन देगा कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है फाई ई। फ्लक्स फाई से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाई ई। तो बेसिकली प्रोडक्ट होता है किस किस का? इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया कैसी क्वांटिटी है? तो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम डॉट प्रोडक्ट करें कि क्रॉस प्रोडक्ट करें, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अपनी बनने वाली क्वांटिटी है वो कैसी है। अगर वो स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट होगा, और अगर वो वेक्टर है तो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ये क्वांटिटी स्केलर है। इस चीज़ का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास कोई पाइप है और उस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है। तो जब उस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है तो उस पाइप में से पानी फ्लो होने की वजह से जो पानी के पास है वो डायरेक्शन है, कुछ वाटर के पास डायरेक्शन है। सामने मैंने बकेट रखी हुई है, तो वो जो पानी यहाँ से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का था वो यहाँ पर वाटर था, तो क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। और तो वो फील्ड लाइन में, तो वो बकेट में जाके इकट्ठा हो गया, ढेर हो गया, तो वो क्या बन गया? एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि बाल्टी में रखे हुए पानी की कोई डायरेक्शन नहीं है और यहाँ से पाइप में फ्लो होने वाले पानी की डायरेक्शन है, ऊपर नीचे कहीं कहीं भी। तो यहाँ पर वो वेक्टर थी और वहाँ पर क्या हो गई? वो स्केलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन उनका जब ढेर हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है, तो वो क्या हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? इसका डॉट प्रोडक्ट किया। अब डॉट प्रोडक्ट किया तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर एक एंगल थीटा इंट्रोड्यूस हुआ, वेयर एंगल थीटा इज बिटवीन ई एंड ए, एरिया वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है उसके बीच वो होता है एंगल थीटा। यानी कि अब अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है कि कितनी है, एरिया पर डिपेंड करते हैं कि एरिया कितना है, और एंगल थीटा पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है। तो ये अपना क्या हुआ? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा हुई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का ये एक मेथड हुआ कब? तब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एरिया हो। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के केस में फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होगा। अच्छा, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हो तो अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो उस कंडीशन में हम लोग जो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, दैट फ्लक्स ई दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इसका इंटीग्रेशन साथ में कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने छोटे से एरिया के लिए फाइंड आउट कर ली, एरिया को हम लोग इंटीग्रेट करते जाएंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो ये वाला जो फ्लक्स हुआ, ये फ्लक्स इसके लिए फॉर नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर क्लोज्ड सरफेस।
तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस होगा वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोगों को क्लोज सरफेस के लिए क्या करना होता है कि फ्लक्स ई इज इक्वल टू, बेसिकली मुझे इसको डी फाई कहना चाहिए क्योंकि छोटा फ्लक्स है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं तब, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, या फ्लक्स बोलूँ मैं उसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सरफेस है वो क्लोज है, तो क्लोज इंटीग्रेशन क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस, ये दोनों कैसे एरिया हैं, कैसी क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो जो ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट अपना है क्लोज सरफेस के लिए। तब कोई भी क्लोज सरफेस दे रखा होगा, उसमें चार्ज रखा होगा, वो फील्ड लाइंस निकाल रहा होगा, वो उस फील्ड लाइंस एरिया के साथ लिंक्ड हो रही होंगी, और वो जो एरिया का लिंक डिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का लिंक है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, हमें फ्लक्स देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसी क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये अपना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हुआ कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्लोज के लिए क्या होता है, और ओपन सरफेस के लिए क्या होता है। इससे बेस्ड अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग गोश थ्योरम में यूज़ करेंगे। गोश थ्योरम में जो हम लोग यूज़ करते हैं, उस गोश थ्योरम के यूज़ में हम लोग इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि ये जो पूरा पार्ट था इसका मेथड फ्लक्स निकालने का, और गॉस ने जो दिया था उसका मेथड फ्लक्स निकालने का, उनको कंपेयर करके हम लोग गॉस थ्योरम बनाते हैं, गॉस इक्वेशन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो गॉस थ्योरम इस चैप्टर का, उसके एप्लीकेशन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद दिस कॉन्सेप्ट एंड विद गॉस थ्योरम, दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाने वाला हूँ, और इस इक्वेशन पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था पूरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अब यहाँ पे ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लो रेरा की यूनिट हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू।